गोसाईगंज के सराय गुदौली गांव में चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों पर नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज के सराय गुदौली गांव में चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह अभियान कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों में रखा गया। चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह के क्रम में डॉक्टर सुनीता सिंह, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी लखनऊ के निर्देशक में डॉक्टर राजेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर गोसाईगंज लखनऊ के द्वारा ग्राम सभा सराय रुदौली के आंगनबाड़ी केंद्र में सुरेंद्र बहादुर सिंह पूर्व प्रधान द्वारा गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और 2 साल से छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को आयुर्वेदिक औषधियां वितरित कर बच्चे को खास सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर बलिराम वर्मा और क्षेत्रीय लोग भी उपस्थित रहे। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से मोनू वर्मा की खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं अपने परिचय शुरू करता हूँ। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लखनऊ। ये शुरुआत आज के पोषण माह के अंतर्गत ये शुरुआत हुई है इसकी। इसका नीति आयोग का निर्णय है। नीति आयोग ने इसको शुरुआत किया था 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। वो प्रथम पोषण माह सप्ताह था, आज हम चतुर्थ पोषण माह मना रहे हैं, जो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। उसी क्रम में हम आज आंगनबाड़ी केंद्रों पे जा के ये हम मना रहे हैं माताएं, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, गर्भवती बहनें हैं या 2 साल से नीचे कम बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, उनको कुपोषण से बचने के लिए जो हम अपने खान पान के द्वारा जो उनको बता सकें, जो उनको ले सकें, जागरूकता के तहत हमको सलाह देते हैं कि आप गर्भवती अवस्था में क्या लेना है जिससे कि आपको एनीमिया ना होने पाए, छोटे बच्चे हैं उनको क्या खिलाया जाए जिसके द्वारा वो स्वस्थ रहें, और समय पे क्या उनको देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए।